पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस संकट के दौर में विषम आर्थिक परिस्थितियों में अब तक के सबसे बड़े 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज के ऐलान पर उनका आभार व्यक्त किया है। हमीरपुर में पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि ये पैकेज देश की GDP का 10% है और इस पैकेज से वैश्विक महामारी में देश के 130 करोड़ लोगों के आत्मविश्वास को बढ़ाने के साथ साथ आत्मनिर्भर बनाने में भी सहायक होगा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 पिलर यानी कि आर्थिक व्यवस्था, आधारभूत ढांचा, सिस्टम, भौगोलिक व्यवस्था एवं डिमांड व सप्लाई की देश की आर्थिकी व सर्वांगीण विकास में मील पत्थर साबित होने की बात भी कही। कल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 20 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज देने की घोषणा की है वो आज तक का सबसे बड़ा ऐतिहासिक आर्थिक पैकेज है और मुझे विश्वास है कि इस पैकेज के मिलने से समाज के प्रत्येक वर्ग को राहत मिलेगी, विशेष करके मजदूर को कारखानों में रोजगार मिलेगा, लघु मध्यम सूक्ष्म और कुटीर उद्योग के लिए बहुत बड़ी राहत दी गई है। 3 लाख करोड़ के आसान कर्जे देने की बात कही गई है बिना गारंटी के। अगर लघु मध्यम सूक्ष्म और कुटीर उद्योग फिर से चालू होगा तो करोड़ों लोगों को इसमें रोजगार मिलेगा और सबसे समाज का जो सबसे गरीब वर्ग जिसको आवश्यकता है वो यही काम करता है। उत्पादन शुरू होगा तो आर्थिकी गतिविधि बढ़ेगी, इसी प्रकार से कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में भी बहुत सुविधाएं देने की बात कही गई है। ठेकेदारों को भी जो गारंटी उन्होंने दी होती थी उसको प्रोपोर्शनली अनुपात के तौर पर, मान लो जैसे किसी ने 60% काम कर लिया, 70% कर लिया, 80% कर लिया है तो वह अपनी गारंटी का मनी जो गवर्नमेंट के पास जमा होता था वो तो गारंटी मनी भी उसको वापस मिल जाएगा और वो सर्कुलेशन में आ जाएगा, उसका कैश फ्लो उसके पास बढ़ेगा। टैक्सेस देने में राहत दी गई है, सीमा डेट्स बढ़ा दी गई हैं और विवाद से विश्वास की ओर जो नई योजना चली थी उसकी डेट भी अभी 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा दी गई है। सभी तरह से कोशिश की गई है कि आर्थिक गतिविधि बढ़े। आलोचना करने वालों पे बड़ी हंसी आती है कई बार, जो कुछ दिन पहले तक मांग कर रहे थे कि कम से कम 5 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया जाए, अब 20 लाख करोड़ का पैकेज सुनकर वो उसकी आलोचना शुरू कर रहे हैं। कोई कह रहे पैसा कहाँ से आएगा, ये कहते सीधे उनके खातों में दे दो। जन धन योजना में सीधे पैसे भी गए, किसान समृद्धि योजना में किसान को पैसे सीधे मिले, उज्ज्वला योजना में गैस सिलेंडर बहुत मिला, 5-5 किलो राशन हर प्रति व्यक्ति 80 करोड़ लोगों को मिला है, 1-1 किलो दाल प्रति व्यक्ति मिली है। तो इस प्रकार से इतनी राहत देने के बावजूद भी जो लोग इसमें नील मेघ निकाल रहे हैं वो लगता है केवल आलोचना के लिए आलोचना कर रहे हैं। सबको मिलकर इसमें कोरोना की महामारी का मुकाबला करना चाहिए, सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की समर्थन करते हुए, और कमी होगी तो आगे चल के और देख लेंगे। इस भावना के साथ सब मिलकर काम करेंगे तो देश इस महामारी पर काबू पा सकता है और विश्व के लिए एक मिसाल बन सकता है। विश्व गुरु बनने की तरफ आत्मनिर्भर हिमाचल, आत्मनिर्भर देश आगे बढ़ेगा, ऐसा मेरा विश्वास है।